साथियों नमस्कार, मैं के मिश्रा कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप चैनल के मिश्रा कौशल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, फर से अस्त तक मैं आपके समक्ष आज मैं पुनः काफी दिनों बाद एक छोटा सा नया वीडियो आपके लिए अपनी पार्टी और संगठन के लिए जो गतिविधियों पर लिप्त रहता हूं उस पर आपको देना चाहता हूं। मित्रों, मुझे कई बार संगठन का दायित्व प्राप्त हुआ, जो मैं कानपुर महानगर का पूरे नगर का अध्यक्ष घोषित किया गया। इस बार पुनः जिला अध्यक्ष जी द्वारा मेरा नाम लखनऊ के लिए प्रेषित किया गया और मुझे 99% फिर से प्रदेश कार्यालय से मुझे ऐसी जिम्मेदारी सौंपने का मेरे पास संज्ञान में आया है, जिसका मुझे आज पार्टी कार्यालय में नवीन मार्केट में जो मासिक बैठक संपन्न हुई इसमें जिला अध्यक्ष फजल महमूद जी द्वारा मुझे बताया गया। मैं उम्र को देखते हुए, अपनी व्यस्तता को देखते हुए और तमाम अन्य कार्यों में तमाम जगह अपने व्यस्तता के कारण मैं नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी चूंकि जिला अध्यक्ष जी मुझे लगातार सम्मान दे रहे हैं, मैं उनके साथ पहले भी कार्य कर चुका हूं, तो इस बार उन्होंने फिर से मुझे जिम्मेदारी सौंपने का जो दायित्व सौंपा है तो मैं प्रयास करूंगा कि जहां तक मुझसे हो सकेगा मैं अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करूंगा। आज पार्टी कार्यालय में ये दूसरी मासिक बैठक थी कार्यकारिणी की, जिसपे मुझे भी सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ। ठीक समय पर मैं पहुंच गया था, पूरे टाइम में मीटिंग में रहा। इस मीटिंग का संचालन हमारे सहज समाजवादी पार्टी के महासचिव बड़ा भाई को कम कहिए, मैं छोटा ही है हमसे, और लेकिन राजनीतिक उनकी सक्रियता अच्छी है। छात्र राजनीति से भी रहे हूं, एडवोकेट भी हैं और इस समय जिला समाजवादी पार्टी में महासचिव के पद पर हैं। उनके द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया। इस मासिक बैठक की अध्यक्षता परम आदरणीय हाजी फजल महमूद जी ने की और इस अवसर पर जो और अन्य हमारे नेतागण उपस्थित थे उसमें प्रमुख रूप से हमारे सबसे बड़े वरिष्ठ नेता, सीनियर लीडर, श्रद्धेय बड़े भाई के शुक्ला जी। इस कार्यक्रम में जो कार्यवाही हमारी लिखा पढ़ी कर रहे थे और सहज समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिंटू यादव जी और गैरवार जी, शहर कोषाध्यक्ष नंदलाल जायसवाल जी और अभिमन्यु गुप्ता जी, मुमताज मसूरी जी, रमेश यादव जी, सुनील यादव जी, चौबे जी, संदीप शुक्ला जी, अमरीश शुक्ला जी और बहुत सारे साथी समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ साथी थे, विधानसभा के सभी अध्यक्ष, फ्रंटल के अध्यक्ष और नव मनोनीत कार्यकारिणी के सभी अधिकारी जो सदस्य और नगर सचिव और उपाध्यक्ष थे, सभी लोग मौजूद थे। सभी का जोरदार वहां तालियों से स्वागत किया गया और सभी को अपनी बात रखने का, अपने सुझाव देने का भी समय दिया गया। जिला अध्यक्ष जी ने अपने संबोधन में सभी को एकजुट होकर के अपने अपने बूथ को जिताने की पूरी तरह से प्रयास करने का अनुरोध किया गया और साथ ही कहा गया कल से जो पुनरीक्षण कार्यक्रम जो पोलिंग बूथों पर होने जा रहा है इसमें सभी नेता अपने अपने क्षेत्र के पोलिंग बूथ पर जाएं और जाकर के अपने और अपने परिवार के, अपने क्षेत्र के नामों का पुनरीक्षण करें कि उनके नाम उसमें हैं या कट गए हैं। नहीं अगर हैं नाम तो उनके नाम जुड़वाने का प्रयास करें और अगर कट गए हैं तो उनके कारण पता करके दोबारा उनके नाम फिर से जुड़वाए जाएं ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में एक बार पुनः समाजवादी पार्टी को अत्यंत सीटों जिता करके, अधिक से अधिक सीटें जिता करके लोकसभा पहुंचाने का काम किया जाए। साथियों, इसी के साथ मैं वहां का जो संक्षिप्त एक वीडियो आपके सामने लाया हूं वो भी इसी में आपको दे रहा हूं। चाहता हूं कि हमारे इस वीडियो को भी आप सभी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और मुझे माफ करेंगे, क्योंकि मैं जिस काम को भी करता हूं वो पूरी ईमानदारी से करने का प्रयास करता हूं। मेरे पास जो जिम्मेदारी है भले ही वो समाजवादी पार्टी के हो, मैं नेता तो सब जगह का हूं, बहुत जगह मैंने नेतागिरी मैं करने का प्रयास करता हूं, लेकिन नेतागिरी मुझे चमकाने की आदत नहीं है। अपनी बात भरपूर तरह से सही ढंग से कहने की और सुनने की आदत है, वो मैं किसी भी पार्टी के सुन सकता हूं अगर अच्छी बात है, वो कोई भी पार्टी हो। चूंकि समाजवादी पार्टी की मेरे पास जिम्मेदारी है, पार्टी हमें सम्मान दे रही है, इसलिए मैं उसका पदाधिकारी होने के नाते आज ये वीडियो आप सबको दे रहा हूं। चाहता हूं कि आप इसको भी लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वहां का एक वीडियो संक्षिप्त साथ में दे रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभार।
बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज हमारी कार्यकारिणी की तीसरी बैठक है, लेकिन हमारी आज की बैठक बहुत अच्छी नहीं। वजह क्या है, बहुत से लोग नहीं आए, जब पद नहीं दिए थे इससे तीन दिन आदमी रहते यहाँ से वहां तक भरा रहता था। हमारे कार्यालय मंत्री ने वहां से वहां तक पुख्तिया लगाई, आज बहुत खुशी आई। सबकी बढ़िया आ रही, अध्यक्ष जी हम लखनऊ में आज यहाँ पाएंगे, अध्यक्ष जी बहुत अहम मीटिंग हो तो हम आ जाए, अध्यक्ष जी ऐसे हैं, उनसे पूछो जब पद दे दिया तो मेरे घर से लेकर यहाँ तक तो रोक सकता था कि पार्टी के प्रति वफादार होना पड़ेगा चाहे कोई हो। अखिलेश यादव जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे अध्यक्ष बनाया, इसलिए बनाया है कि पहली बार जब हम अध्यक्ष थे कुछ किया होगा अच्छा, इसलिए हमें बनाया और ये कुछ विश्वास जताया मेरे ऊपर कि हम कानपुर में पार्टी को मजबूत करेंगे, पार्टी को संगठन को मजबूत करेंगे, बूथ स्तर पर मजबूत करेंगे। लेकिन हमने भी आपके पास वैसे ही विश्वास जताया है कि आप बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करोगे, देश के नेता बने हो, बूथ के बारे में पूछ जाए तो बूथ नंबर ही नहीं जाते हो। अभी जल्दी बहुत से ऐसे नेता मिले, मैं जाता हूँ, मैं कोई एसी वाला आदमी नहीं हूँ, सड़क छाप आदमी हूँ।